हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस यानी कि जीटी वर्सेज एमआई के बीच आईपीएल को मैच नंबर 35 खेला जाएगा। डिटेल में कवर करने वाले भाई वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है। अब देखो दोनों टीम्स ने आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स मिल जाएगी। दोनों टीम्स की बैटिंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी और बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है वो भी दोनों टीम्स का बहुत बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब आप लोग अगर इस मैच में टीम सिलेक्शन करोगे तो आपके लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे खड़े होने वाले कि भाई बैटिंग सेक्शन से किसी प्लेयर को ड्रॉप करें या फिर ड्रॉप करें बॉलिंग सेक्शन से किसी प्लेयर को, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर वीडियो कंप्लीट देखते हो मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, आपको विद स्टैट्स में आपको ये प्रूव कर दूंगा कि आप लोग इन बल्लेबाजों के साथ में जाओगे और इन बॉलर्स को टीम में पिक करना, ठीक है। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी की जो भी बेस्ट ऑप्शन है सब कुछ आपको डिटेल में इसी वीडियो में कवर करके देने वाला हूं, तो कंप्लीट आपको वीडियो देखना है। कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी स्टैट्स बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इस मैच में बॉस आपके स्टैट्स ना बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं जब आप लोग अपना टीम सेट करोगे, तो कंप्लीट आपको वीडियो देखना है। चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, किसी भी मैच की वीडियो मिस नहीं करनी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो में बताइए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टेलीग्राम के साथ में नहीं जुड़े हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन प्लस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर आपको ज्वाइन करना है क्योंकि टॉस के बाद में कोई भी अपडेट्स होती है। फाइनल टीम में लास्ट मोमेंट पर अगर कोई चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इंपैक्ट रोल वाला जो सीन है ना वो सी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसके बारे में भी जो भी अपडेट्स रहेंगे तो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पर सारी चीजें मिलेगी, तो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा। मैच की बात करें दोस्तों वेन्यू रहेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के वेन्यू पे मैच खेला जाएगा। टोटल इस वेन्यू पे 22 मैच हुए, 8 फर्स्ट बैटिंग ने वोन करे, 13 सेकंड बैटिंग ने वोन करे। थोड़ा सा एडवांटेज है सेकंड बैटिंग के फेवर में, एक मैच यहाँ पे टाई हुआ तो एवरेज जो स्कोर है लगभग 164 या फिर 170 के आसपास मान लो क्योंकि दोनों टीम्स की बैटिंग बहुत बढ़िया है और अगर एमआई की टीम पहले बैटिंग करेगी ना मेरे हिसाब से 170 प्लस भी स्कोर कर सकती है। लेकिन दूसरी साइड आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है भाई, जिट्टी का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना वो काफ़ी तगड़ा है, ठीक है। आपको वहाँ पर राशिद खान मिल जाएंगे, मोहम्मद शमी उनकी टीम में रहेंगे, तो गेंदबाजी जो डिपार्टमेंट है स्पेशली अगर मैं गुजरात की बात करूं वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुंबई के बल्लेबाजों के लिए भी रन्स करना इतना इजी इस मैच में नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखना चाहिए मुंबई की बैटिंग कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टैट्स यहां पे सेकंड बैटिंग को थोड़ा सा फेवर हो सकता है। उसके बाद में नीचे आओगे स्कोरिंग पैटर्न, 190 प्लस इस वेन्यू पर सिर्फ 3 बार स्कोर बना, 170 से 189 के बीच में 7 बार और 150 से कम का स्कोर भी यहां पर 6 बार बन चुका। तो देखो ज्यादा बड़े स्कोर की उम्मीद नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोनों टीम्स की गेंदबाजी बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगी, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना 160-170 का स्कोर, देखो कम से कम 165-170 तो करने पड़ेंगे चाहे गुजरात पहले बैटिंग करे या फिर भैया एमआई पहले बैटिंग करे। इतना स्कोर करेगी तो मैं मानूंगा कि वहां पे डिफेंड करना थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन 160 या फिर 160 से कम का स्कोर रहेगा ना तो बॉस यहां पे डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, तो फिर चेज करने वाली टीम के विन करने के चांसेस थोड़े से हाई बन जाएंगे। नीचे आएंगे दोस्तों यहां से देखोगे रिसेंट मैचेज, लास्ट मैच हुआ था 16 अप्रैल 2023 को, यहां से आपको यह आइडिया आएगा कि किस प्रकार का विकेट रहेगा, बैटिंग को फेवर होगा या फिर बॉलर्स को, ठीक है। तो लास्ट मैच 16 अप्रैल 2023 गुजरात ने 177 करे, राजस्थान रॉयल्स ने 179 बना के 7 विकेट पर चेज कर दिया। अब एक चीज आपको बता दूं ये वही वो मैच है जहां पर राजस्थान के शुरुआती विकेट काफी जल्दी गिरे थे, ठीक है, जोस बटलर जैसे प्लेयर या फिर भैया जायसवाल जैसे प्लेयर जो थे वो स्टार्टिंग में फ्लॉप गए थे, ठीक है। लेकिन यहां पे जो पारी खेली थी संजू सैमसन और सिमरन हिटमायर ने, देखो मिडल ऑर्डर में यहां पे संजू सैमसन और लोअर ऑर्डर में सिमरन हिटमायर ने इतनी तगड़ी बल्लेबाजी करी गुजरात के गेंदबाजों को भाई कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है, तो रन जरूर इस वेन्यू पर करे जा सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड मैच 9 अप्रैल 2023 गुजरात ने 204, कोलकाता ने 207 बना के यहाँ पे चेज कर दिया। आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग के दोनों मैचेस में यहाँ पे 170, 180, 200 प्लस का भी स्कोर बना है, तो कंडीशंस बैट्समैन को फेवर तो करेगी, लेकिन मुंबई की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुंबई की बॉलिंग अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं गुजरात के कंपेयर में थोड़ी सी मुझे कमजोर दिखेगी। उसके बाद में नीचे आओगे थर्ड मैच में, 31 मार्च 2023 को हुआ था, चेन्नई की टीम ने 178 करे थे, गुजरात ने 182 बना के चेज कर दिया था और ये इसी आईपीएल का पहला मैच था, ठीक है। तो देख सकते हो तीनों मैच में 170, 175 का स्कोर हमें देखने को मिला, तो कंडीशंस बैट्समैन को तो फेवर करेगी, लेकिन एमआई की टीम किस प्रकार बैटिंग करेगी गुजरात के बॉलर्स के सामने वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे आएंगे दोस्तों यहां से हेड टू हेड मैचेस की बात करें, दोनों टीम्स के बीच में सिर्फ एक ही मैच हुआ जो कि मुंबई इंडियंस ने विन करा था, ठीक है, वो मैच हुआ था 6 मई 2022 को, एमआई ने 177 करे थे, गुजरात केवल 172 कर पाई थी, 5 रन से वहाँ पे एमआई की टीम ने मैच को विन किया था, लेकिन वो 2022 का मैच है, ये सीजन अलग है, यहाँ पे प्लेयर्स आपको थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे क्योंकि 2022 के सीजन में एमआई की गेंदबाजी भी काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन यहाँ एमआई की गेंदबाजी जो है वो थोड़ा सा आपको कमजोर जरूर दिखेगी। नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ से आपको बता दूँ अगर आपने विजन 11 को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पहली बार साइनअप करोगे आपको 500 रुपये का कैश बोनस भी मिल जाएगा।
अगर मैं इनके के फीचर्स की बात करूंगा तो आपको काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे। सेकंड इनिंग फैंटेसी आप लोग यहाँ पे खेल पाओगे, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही कोई इशू नहीं है, सेकंड इनिंग में आप लोग टीम बना के खेल सकते हो। इंस्टेंट आपको विड्रॉल मिल जाएगा, सिर्फ आपको जस्ट एक सेकंड के अंदर या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में आपका विड्रॉल हो जाएगा, ठीक है। डेली आपको आईपीएल के हर मैच में 50,000 का फ्री गिव अवे मिल रहा है, तो ज्वाइन किया करो बॉस, क्योंकि आपका जाना कुछ भी नहीं है, फ्री का गिव अवे है, बिल्कुल मत जाने, तो जरूर ज्वाइन किया करो, ठीक है। मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाओगे, सिंगल क्लिक में 200 तक यहाँ पे जितना मर्जी चाहो उतने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। रिवर्स फैंटेसी, बॉलिंग फैंटेसी और बैटिंग फैंटेसी खेल पाओगे, जो कि आपको एकमात्र विजन 11 पे देखने को मिलेगा। अदर किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, ये फीचर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। सबसे कम आपको इस प्लेटफॉर्म पे एंट्री फीस देखने को मिलेगी, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, तो आपके पैसे यहाँ पे भी बचेंगे। क्विक आपको यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस मैच की बात करूँ 50,000 का आपके लिए फ्री का गिव अवे विजन 11 पे रहेगा, तो जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, फ्री का है भैया, कुछ भी आपका नहीं जाने वाला। डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साइन अप करोगे 500 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा। अगर आप लोग यहां पे रेफर कोड के साथ में साइन अप करते हो क्लेम 1000 के साथ, तो आपको 500 का कैश बोनस भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 50 लाख की आपको इस मैच में मेगा ग्रैंड लीग भी देखने को मिल जाएगी, तो काफ़ी बेहतरीन ऐप है, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां से हम बात करेंगे सबसे पहले गुजरात की जो प्लेइंग 11 रहेगी उसके बारे में। यहां पे आपको एक दो चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं, क्या वो चेंजेस रहेंगे आगे बताऊंगा। सुमन गिल रहेंगे, रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या, अभिनव मनोहर, विजय शंकर, डेविड मिलर रहेंगे। उसके बाद में नीचे आओगे, राहुल तेवतिया, राशिद खान आपको देखने को मिल जाएंगे, मोहम्मद शमी रहेंगे, नूर अहमद, मोहित शर्मा और यहाँ पे जयंत यादव, ये टीम रहेगी लास्ट मैच के अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस सुमन गिल, रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर ने भी एक दो मैचेस में ठीक ठाक पारियां खेली, बाकी उतना बढ़िया मैं नहीं कहूंगा, जरूर एक मैच में वो 65-70 रन की पारी थी, उसके अलावा किसी मैच में उतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं दिखाया, ठीक है। मिलर जो कि लोअर ऑर्डर में काफी अच्छी बैटिंग करके जा सकते हैं, राशिद, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, ये टीम के जो है तीन मेन बॉलर्स रहेंगे, जहाँ पे शुरुआत करेंगे मेरे हिसाब से मोहम्मद शमी के साथ में हार्दिक पांड्या स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इनके डेथ बॉलर्स की बात करूँगा तो मोहम्मद शमी के साथ में आपको मोहित शर्मा यहाँ पे डेथ में गेंदबाजी करते हुए जरूर दिखेंगे, ठीक है। राशिद खान आपको मिडल में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, तो ये इस टीम के मेन प्लेयर्स रहेंगे। बाकी ये जो प्लेइंग 11 है लास्ट मैच के अकॉर्डिंग है, इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं वो एक बार आपको बता दूं। यहां से देखोगे इंपैक्ट प्लेयर में मेरे हिसाब से साई सुदर्शन डायरेक्ट आपको शायद प्लेइंग 11 में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भैया फिर टीम बाहर करेगी ना, तो अभिनव मनोहर को बाहर करेगी और डायरेक्ट आपको प्लेइंग 11 में मनोहर देखने को मिलेंगे। फिर हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर में टीम किसी अदर गेंदबाज को या फिर बल्लेबाज को यूज कर ले, वो भैया मैच की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें डिपेंड करेंगी। नीचे आओगे मुंबई की बात करते हैं, मुंबई इंडियंस की टीम देखोगे रोहित के साथ में किशन ओपनिंग करेंगे, उसके बाद कैमरन ग्रीन रहेंगे, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और टिम डेविड, ये इस टीम के मेन बल्लेबाज है, ठीक है। उसके बाद एन वदेरा रहेंगे, जोफ्रा आर्चर, ऋतिक शौकीन, अर्जुन तेंदुलकर रहेंगे, नीचे पीयूष चावला और यहाँ पे जैसन बैरनडॉर्फ, ये टीम रहेगी लास्ट मैच के अकॉर्डिंग। मेन बल्लेबाज आपको पता है इनके रोहित रहेंगे, किशन रहेंगे, सूर्य कुमार यादव के साथ में कैमरन ग्रीन रहेंगे, ये टॉप ऑर्डर के चार बल्लेबाज इंपॉर्टेंट है। अगर इन चार बल्लेबाज में से दो का विकेट जल्दी गिरता है ना, तो आप लोग यहाँ पे तिलक वर्मा को अच्छे डिफरेंशियल पिक में ट्राई करना, क्योंकि लास्ट के दो मैचेस देखोगे तो मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा को बैटिंग में थोड़ा नीचे रख रखा है, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में दो विकेट जल्दी गिरते, क्योंकि जिट्टी की बॉलिंग काफी बढ़िया, तो हो सकता है एमआई के स्टार्टिंग में विकेट जल्दी गिर जाएं, तो भैया तिलक वर्मा आपके लिए अच्छी यूनिक पिक हो सकती है इस मैच में, तो जरूर ट्राई कर सकते हो। और फॉर्म देखोगे वो भी काफी बढ़िया है, 6 इनिंग में 217 रन से 43.5 के एवरेज के साथ में, ठीक है। तो टीम आपको मुंबई की भी काफी बढ़िया दिखेगी, लेकिन इनके जो गेंदबाजी डिपार्टमेंट है ना, वो मुझे थोड़ा कमजोर दिख रहा है, क्योंकि देखो जोफ्रा आर्चर जरूर बहुत तगड़े गेंदबाज है, लेकिन करंट फॉर्म उतनी बढ़िया है नहीं, एक मैच खेले, 3-4 मैच बाहर हुए, इंजरी वगैरह हो रखी थी, फिर मैच में आई, फिर से कुछ अच्छा परफॉर्म देखने को मिला नहीं, ठीक है। वहीं पे देखोगे जैसन बैरनडॉर्फ, जिन्होंने 5 इनिंग में 7 विकेट जरूर निकाले, ठीक है। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में गेंदबाजी कर रही है एमआई की टीम, तो जैसन बैरनडॉर्फ की जो इंपॉर्टेंस रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन अगर सेकंड गेंदबाजी करेगी तो स्टार्टिंग के ओवर्स में इनकी जो इंपॉर्टेंस रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, लोअर ऑर्डर में या फिर मैं ये कहूँगी भैया डेथ ओवर में इनकी इंपॉर्टेंस फिर थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक है। मेन गेंदबाजों में बात करूँगा, पीयूष चावला जो कि मिडल में आपको बहुत अच्छे पिक मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आपको पता है कि भैया जोफ्रा आर्चर, जैसन बैरनडॉर्फ इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मिडल में जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा भैया यहाँ पे पीयूष चावला। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर में देखोगे राइले मेरेडिथ, अरशद खान, डुआन जैनसन और कुमार कार्तिकेया, इनमें से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई चेंज यहाँ पे टीम आपको करती हुई दिखेगी। नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं बैट्समैन और बॉलर्स के मैचअप्स के बारे में, जो कि आपकी सबसे फेवरेट चीज़ है। तो सबसे पहले जिट्टी की बात करेंगे, यानी कि गुजरात टाइटंस के मुंबई इंडियंस के बॉलर्स के सामने। सुमन गिल के आंकड़ों में ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ जोफ्रा आर्चर के सामने 2 बार आउट हुए। आप देखो सुमन गिल ओपनिंग कर रहेंगे, जोफ्रा आर्चर जो है स्ट्राइकर गेंदबाज रहेंगे एमआई की साइड से, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में संभल के खेलना पड़ेगा गिल को यहाँ पे आर्चर के सामने। लेकिन गिल देखो काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, करंट जो फॉर्म है वो भी बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगी, तो स्टार्टिंग में अपना विकेट इतना ईजिली थ्रो करके जाएंगे नहीं। अगर गिल का विकेट निकाला तो यहाँ पे एमआई के बॉलर्स को बहुत तगड़ी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, ठीक है। नीचे आओगे रिद्धिमान
साहा, इनके 30-40 रन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। लिए किसी भी गेंदबाज को अपना विकेट थ्रो करके जा सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में देखोगे ना गिल के साथ में साहा ओपनिंग करेंगे। अब देखो स्टार्टिंग में होगा क्या कि भैया सुमन गिल थोड़ा स्लो खेलेंगे, ठीक है, लेकिन वहीं पर रिद्धिमान साहा थोड़ा सा अटैक करेंगे, और उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये अटैक करेंगे तो भाई रन भी आ सकते हैं या फिर इनका विकेट भी थोड़ा जल्दी जा सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ देख लेना, क्योंकि गिल तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो आपको खेलते हुए जरूर दिखेंगे, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा रिद्धिमान साहा पे, क्योंकि तेज रन सिर्फ इनको करने पड़ेंगे। तो उस केस में या तो एमआई के गेंदबाज विकेट निकाल लेंगे या फिर भाई साहा उनकी पिटाई कर देंगे। पीयूष चावला ने इनको 3 बार आउट कर रखा है, लेकिन पीयूष चावला जब तक गेंदबाजी कर रहेंगे ना, तब तक अगर बैटिंग कर दी साहा ने तब तो भाई इनका काम हो जाएगा। उसके बाद में तो पीयूष आउट करे या फिर कोई अदर गेंदबाज आउट करे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे आएंगे हार्दिक पांड्या, जोफ्रा आर्चर के सामने 2 बार आउट है, पीयूष चावला के सामने 1 बार। वन डाउन बैटिंग करेंगे तो पीयूष के सामने तो इनको जरूर फेस करना पड़ेगा, उतनी प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि ऑलरेडी 21 गेंद में 40 रन कर रखे, तो मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं समझ के चलूंगा। अच्छी बैटिंग करके जा सकते हैं हार्दिक पांड्या, क्योंकि कैप्टन भी तो थोड़ा सा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में भी खेलते हुए दिखेंगे। नीचे आएंगे डेविड मिलर, जो कि लोअर ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, आर्चर के सामने 1 बार, पीयूष के सामने 2 बार आउट हुए। अब देखो एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, आर्चर और यहाँ पे पीयूष चावला आपको हर जिट्टी के बल्लेबाज के केस में दिखेंगे बॉस, मतलब ये दो गेंदबाज इस मैच में जरूर इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे अगर एमआई के बॉलिंग डिपार्टमेंट से बात करी जाएगी, ठीक है। जरूर पिक कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि मैचअप्स के अकॉर्डिंग आपको 100% चीजें होती दिखे, हो सकता है ये मैचअप्स आपके 70-60% काम आए, बाकी आपकी किस्मत करेगी। देखो किस्मत का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, बाकी अगर आपको लगता है कि भाई मैचअप से ज्यादा प्लेयर इंपॉर्टेंट है तो फिर आप लोग मैचअप भूल जाओ, फिर प्लेयर को अहमियत दो अपनी टीम में, ठीक है। तो मिलर को देख सकते हो पीयूष चावला के सामने 2 बार और आर्चर के सामने ऑलरेडी 1 बार आउट हो चुके हैं। विजय शंकर किसी भी गेंदबाज को आउट नहीं हुए, लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि किसी के सामने भी विकेट थ्रो करके चला जाएगा, ठीक है। मिडल में मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे या तो शौकीन रहेगा भाई, या फिर यहाँ से अगर मैं बात करूँ पीयूष चावला, दोनों में से कोई भी एक गेंदबाज यहाँ पे विजय शंकर का विकेट जरूर निकाल सकता है, तो ये मेरी टिप आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। ये मेन जो 5 बल्लेबाज है यहाँ से, अगर मैं जिट्टी की बात करूँ उनके मैचअप से, लेकिन यहाँ पे अगर साई सुदर्शन खेलेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, टीम में आप लोग डायरेक्ट पिक कर लेना, क्योंकि उनके स्टैट्स उनकी जो फॉर्म है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। मैचअप्स में ऑलरेडी देख चुका हूँ साई सुदर्शन के, उतना कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। नीचे चलेंगे दोस्तों, यहाँ से बात करते अभी देखोगे तो मुंबई इंडियंस के बैट्समैन की गुजरात के बॉलर्स के सामने किस प्रकार की परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ से सबसे पहले रोहित की बात करेंगे, सम्मी के सामने 2 बार आउट है, मोहित के सामने 1 बार और राशिद खान के सामने 3 बार। तो यहाँ पे रोहित के चलने के चांसेस अकॉर्डिंग टू मैचअप्स थोड़े से कम दिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सम्मी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको गेंदबाजी करता हुआ दिखेगा, और क्लियर दिख रहा है कि सम्मी के सामने रोहित को थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होने वाली है, क्योंकि 48 गेंद में सिर्फ 56 रन है और 2 बार अपना विकेट दे चुके, तो मतलब उतना ज़्यादा यहाँ पे शायद बैटिंग अच्छी ना देखने को मिले रोहित की आपको सम्मी के सामने, तो विकेट जा सकता है। तो रोहित को आप लोग इस मैच में ड्रॉप करके रिस्क ले सकते हो। मोहित के सामने 1 बार आउट हुए, 51 गेंद में केवल 64 रन से यहां पे भी उतना कुछ खास नहीं खेले। राशिद के सामने भी 21 गेंद में केवल 23 रन से और 3 बार आउट हो चुके। तो यहां पे जो अकॉर्डिंग टू मैचअप्स बात करी जाएगी, रोहित को इस मैच में टीम से ड्रॉप करना आई थिंक अपने लिए एक अच्छी डिफरेंशियल चीज हो सकती है, ठीक है। बाकी सेफ खेलने वाले टीम में पिक कर लेना, बाद में यह मत बोलना भाई आपने बोला था मैचअप्स के बेस पर ड्रॉप कर दो, हो सकता है बंदा चल जाए यार मैचअप्स काम ना करें, लेकिन मैं आपको टिप दे रहा हूं कि भाई अगर थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना है तो इस मैच में रोहित को ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आओगे ईशान किशन के आंकड़ों में ज्यादा कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी। नीचे आएंगे सूर्य कुमार यादव की बात करें, सम्मी के सामने 1 बार आउट है जबकि मोहित के सामने 1 बार। अब देखो सूर्य कुमार यादव इनके शॉट्स ऐसे होते हैं कि भैया अगर वो लग जाए ना बल्ले पे तो बाउंड्री भी आ सकती है, और अगर बल्ले पे ठीक से कनेक्ट ना हो ना तो वो फील्डर के हाथ में भी जा सकती है, ठीक है। तो सूर्य कुमार का यार थोड़ा सा रिस्क होता है हमेशा, बाकी बल्लेबाज काफ़ी टैलेंटेड है। सूर्य ग्रहण अभी हट चुका है क्योंकि स्टार्टिंग में बल्ले से रन निकल नहीं रहे थे, काफ़ी मैच लगातार फ्लॉप थे, लेकिन अभी वो जो ग्रहण था ना वो बहुत हट चुका है, अभी सूर्य कुमार के बल्ले से रन निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। नीचे आएंगे तिलक वर्मा की बात करते हैं, इनके मैचअप्स में ज़्यादा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सभी प्लेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के साइड से, यहाँ पे आपको बता दूं अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई कैमरन ग्रीन के मैचअप्स नहीं दिखाई, देखो ग्रीन के मैचअप्स में कुछ खास है नहीं देखने लायक, ठीक है। आई थिंक सिर्फ एक ही गेंदबाज के सामने खेले और उसके सामने भी मेरे हिसाब से 1 बार आउट नहीं हुए या फिर 1 बार आउट है, तो बाकी ज्यादा कुछ उनके मैचअप्स में है नहीं, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लिया करो, जो चीज इंपॉर्टेंट होगी बॉस आपको खुद से मिल जाएगी। पूरे मैचअप्स देख लो, एक एक प्लेयर के पहली टिप रहेगी कि रोहित को टीम से ड्रॉप कर सकते हो इस मैच में। दूसरा यहां से बता दूं मेरे हिसाब से विजय शंकर को भी आप लोग इस मैच में ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन डिफरेंशियल में लेना चाहो तो ले सकते हो। ऊपर अगर मैं बात करूंगा तो भाई यहां पे देखो 3 प्लेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे रिद्धिमान साहा किस प्रकार खेलेंगे वो चीज डिपेंड करती है कि फिर सुमन गिल की बैटिंग किस प्रकार देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादा स्लो खेल गए सुमन गिल तो रिद्धिमान साहा का विकेट भी जा सकता है और रन्स भी आ सकते हैं, क्योंकि हिटिंग करेगा तो रन्स आएंगे या फिर विकेट जाएगा, केस तो बोस एक ही बनेगा, तो वो देख लेना, ठीक है। पूरे मैचअप आपके सामने एक प्लेयर के, डिटेल में आपको सारी चीजें बता दी, अभी चलते हैं दोस्तों डेमो टीम पे, लेकिन सिर्फ डेमो टीम रहेगी, फाइनल टीम टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलेगी, कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो यहां पे अभी देखोगे आप लोग जो 11 प्लेयर की टीम है वो आपके सामने, लेकिन यहां पे मैं एक दो चेंजेस जरूर करूंगा जो मैं आपको बता चुका हूं पीछे में, हो सकता है रोहित
रोहित को ड्रॉप कर दूँ इस मैच में, क्योंकि मैं बड़ा रिस्क लेके खेल सकता हूँ। आप लोग यहाँ से साहा को भी ड्रॉप कर सकते हो, वो ध्यान में रखना, गेंदबाजी में आपको अच्छे विकल्प मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे साई सुदर्शन खेलेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ से साहा को टीम से ड्रॉप करूँगा और मैं साई सुदर्शन को टीम में ज़रूर पिक करूँगा, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे देखना पड़ेगा जिट्टी की टीम किस प्लेयर को अपनी टीम से बाहर करती है। हाई चांस रहेंगे मनोहर को बाहर करेंगे और साई सुदर्शन डायरेक्ट टीम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो चेंजेस मैं मैक्सिमम चांस से भाई ज़रूर करूँगा। टॉस के बाद आपको अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएगी, करूँगा या नहीं करूँगा वो आपको सब कुछ टॉस के बाद टेलीग्राम पर अपडेट किया जाएगा। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। अभी देखो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं। अगर सेफ ऑप्शंस में मैं बात करूंगा, किशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पिक है, सुमन गिल ट्राई कर लो, हार्दिक पांड्या, कैमरन ग्रीन और राशिद खान, ये पांच प्लेयर मेरी जो पहली चॉइस रहेगी इन्हीं प्लेयर में से रहेगी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आपको अलग चीज़ें ट्राई करनी है ना, सूर्य कुमार को ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ पे गुजरात पहले गेंदबाजी कर रही है तो आप लोग यहाँ पे मोहम्मद शमी को भी एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, या फिर भैया तिलक वर्मा को ट्राई कर सकते हो। ये तीन मेरे जो है डिफरेंशियल पिक्स रहेंगे। सेफ ऑप्शंस में पांच प्लेयर आपको दे चुका हूँ, इन्हीं में से पिक करूंगा भाई कैप्टन वाइस कैप्टन, हाई चांस यही रहेगा। बाकी अगर कोई चेंजेस होंगे तो टेलीग्राम पे आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा भाई। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, किसी भी आईपीएल मैच की वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कॉम्बिनेशन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।